हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम दूध फाड़ के बहुत ही अच्छी स्वीट रेसिपी लेकर आए हैं। ये जो स्वीट रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा नरम बनती है और इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही सरल सा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ये बहुत ही रसेदार होती है, बहुत ही जूसी होती है। आज हम बनाने वाले हैं उड़ीसा की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई। इस दिवाली में आप ज़रूर ये मीठी रेसिपी बनाइए, आप खुद भी खाइए और अपने पड़ोसियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रसबली। हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम गर्म कर लेंगे। इसमें हम 1 उबाल आने देंगे। तो देखिए यहाँ पे दूध हल्का सा गर्म हो चुका है और यहाँ पे मलाई की परत आ गई है, तो हम विस्कर की सहायता से इसे हम मिला लेंगे। हमें यहाँ पे मलाई नहीं आने देनी है। तो देखिए यहाँ पे दूध में 1 उबाल आ चुका है, आंच में यहाँ पे हम धीमा कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप शक्कर डालेंगे, आप जितना मीठा चाहो उस हिसाब से आप शक्कर डाल सकते हो। 2 चुटकी भर इलायची पाउडर, 2 चुटकी भर केसर, हमने 1 टेबलस्पून गर्म दूध में डाल लिया है तो ये हम डाल देंगे दूध के अंदर। हम यहाँ पे धीमी आंच पर दूध को पकाते रहेंगे जब तक ये 25% कम ना हो जाए, घट ना जाए। जब तक यहाँ पे दूध घटता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध को फाड़ दिया है और छेना तैयार कर लिया है। तो देखिए ये छेना है, अब इसमें हम 1 टीस्पून बारीक सूजी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून शक्कर का पाउडर, अब चुटकी भर इलायची पाउडर डाल देंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिला लेंगे और मसल मसल के हमें इसे मिलाना है। हमें यहाँ पे एक मुलायम सा डो तैयार करना है, तो मुलायम डो तैयार करने के लिए हमें छेना को इस तरह से मसलना है और इसके दाने मुक्त कर लेने हैं, इसमें दाने नहीं होने चाहिए। हमें यहाँ पे तब तक मसलना है जब तक ये दाने नहीं दिखे और इसमें एक अच्छा सा लोच आना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे छेना का डो तैयार कर लिया है। अब इसमें से हम छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और हल्के हल्के हाथों से गोलाकार दे देंगे और फिर इसे हम चपटा कर लेंगे। अगर आपको लगे कि हल्का सा क्रैक सा आ रहा है तो इस क्रैक को हम बंद कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 छेना की टिकिया तैयार कर ली है, इसी तरीके से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी छेने की टिकिया तैयार हो चुकी है। अब हम ये करने वाले हैं कि उंगली इस तरह से हम रखेंगे और हल्का इसे इस तरह से दबा देंगे, ये डोनट की तरह बन गया है। हम यहाँ पे सभी टिकियों में इस तरह से होल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और आंच यहाँ पे धीमी रखी है। अब हम इसमें ये डाल देंगे टिकिया। जैसे ही हम टिकिया तेल में डालेंगे हम कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही रखना है, हमें इसे चलाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कुछ देर बाद ये ऊपर आ चुका है, तो हम इसे पलट सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसे गोल्डन होने तक तलना है। तो देखिए ये तल के तैयार हो चुका है, ये ब्राउन नहीं है, ये हल्का सा कुछ गोल्डनिश रेड टाइप का है। हमें यहाँ पे तेल अच्छे से निकाल लेना है और फिर हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी भी हम तल लेंगे। तो रसबली बनाने के लिए छेना का डोनट तैयार हो चुका है। ये ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी है और अंदर से मुलायम है, जैसे कि मैं छू रही हूँ ये हल्का सा सॉफ्ट है। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो हमने यहाँ पे दूध को 25% घटा दिया है और जो डोनट हमने तैयार किया है वो एक एक करके दूध में डाल देंगे और धीमी आंच में 5 मिनट तक हम इसे गर्म कर लेंगे। और 5 मिनट बाद देखिए ये काफी मुलायम सा हो चुका है, तो आंच यहाँ पे हम बंद कर देंगे। तो रसबली यहाँ पे तैयार हो चुकी है। दूध का जो रस है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब कुछ कटे हुए पिस्ता के साथ हम इसे सजा लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रसबली जो हमने तैयार की है वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी जूसी है। तो देखिए रसबली यहाँ पे कितनी मुलायम सी है।
और इसके अंदर रस भर चुका है। तो ये उड़ीसा की बहुत ही मशहूर और बहुत ही दिलचस्प रेसिपी तैयार हो चुकी है। मुझे यकीन है आपको ये बहुत ही अलग सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से बनी थी। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।